नमस्कार साथियों, मैं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा दसवीं में सोशल साइंस का जो आपका पेपर है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बताने जा रहा हूँ। आप उन प्रश्नों को ध्यान से देखें, इसमें कुछ उत्तर भी दिए गए हैं, उत्तरों को भी ध्यान से देखें। जरूरी नहीं कि कुछ प्रश्नों के उत्तर वैसे के वैसे ही हो जिसमें दिए गए हैं। हाँ, कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, कुछ रीज़न हैं, कुछ प्रश्न विशेष होते हैं जिनके उत्तर में वो चीज़ होना आवश्यक है, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जिनको हम हमारे हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। जल के स्रोत बताइए। तो देखिए, जल के स्रोत क्या क्या हैं, जल के स्रोत जो हैं बताइए, तो पृष्ठीय जल, भौम जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल, ये किसा ये इस तरह का उत्तर है जिसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इन पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मैं ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर आप अपने उत्तर को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भौम जल पाने के स्रोत क्या है। तो देखिए, कुआं, ट्यूबवेल है ना, ये क्या भौम जल प्राप्त करने के स्रोत हैं। और मृदा संरक्षण से आप क्या आशय है। तो मृदा संरक्षण शब्द का अर्थ समझना है। मृदा संरक्षण का मतलब है मिट्टी का संरक्षण, और मिट्टी का संरक्षण करना मतलब मिट्टी का अपरदन और क्षय को रोकना की जो प्रक्रिया है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। तो देखिए, भारत में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं वो 6 प्रकार की हैं। उन मिट्टियों के नाम आपको बताना है। पूछे जा सकते हैं कोई 4 मिट्टियों के नाम बताइए, तो कुछ है याद रखना है, 4 पूछी जा सकती है। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अब इसको याद करने का अपना एक कोडिंग हो सकता है, जैसे हम JKLMP ऐसा हम याद रखते हैं। जे का मतलब जलोढ़ मिट्टी, के का मतलब काली मिट्टी, एल का मतलब लेटराइट मिट्टी, एम का मतलब मरुस्थली मिट्टी, और पी का मतलब पर्वतीय मिट्टी। और इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, ये हमारा एक कोडिंग है, JKLMP। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन ये मृदा का क्षय, और मृदा के क्षय होने की जो प्रक्रिया है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा का क्षय कैसे होता है, जो नदी के जल एवं मानव तथा जीव जंतुओं से जमीन की ऊपरी सतह कट जाती है और यह बहकर अन्यत्र चले जाती है, उसे मृदा का अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति क्या है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, फलों से है। फलों के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति चलाई गई उसे गुलाबी क्रांति कहा गया है। लिखा है सेब, आम, केला, नारियल आदि। कुल मिलाकर हमें ये बताना है कि फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति चलाई गई थी उसे गुलाबी क्रांति का नाम दिया गया है। प्रश्न में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, दूध से, मत्स्य से, और फलों से, शहद से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सामाजिक वानिकी से योजना क्या है। तो सामाजिक वानिकी योजना है उसका संबंध वृक्षारोपण से है, और इस वृक्षारोपण के लिए जो वित्तीय सहायता प्राप्त होती है वो विश्व बैंक से प्राप्त होती है, और इसमें अधिकतर सड़कों, रेल लाइनों के किनारों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय को बताइए। तो देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जल की आपूर्ति करना आवश्यक हो गया है, और इसलिए जल संरक्षण आवश्यक है।
कृषि के लिए, उद्योग धंधे के लिए और पेयजल की व्यवस्था के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है। साथ में जल संरक्षण के क्या उपाय हैं, तो वो उपाय यहाँ बताए गए हैं। वर्षा के जल को संग्रहित करके अपवाह को रोक कर, जो पानी बहकर जाता है उसे डैम के द्वारा रोक कर छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों में और वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा इनके द्वारा हम जल के संरक्षण को कर सकते हैं। अगला आ रहा है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट करने के लिए एक सूत्र है, JR2KC। अब जे का मतलब क्या है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या भरण पोषण। दूसरा है रोजगार, और फिर दूसरी बार जो आ रहा है उसका नाम राष्ट्रीय आय, और के का मतलब कच्चा माल, और सी का मतलब छोटे उद्योग। छोटे की स्पेलिंग सी से चालू होगी, इसलिए छोटे उद्योग के लिए सी लिया गया है। JR2KC ने आर का दो बार इस्तेमाल किया गया है। अब ये किसके लिए, भारतीय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय या IMP क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट कीजिए, तो क्या क्या योगदान है उनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। जनसंख्या भरण पोषण, हमारे देश में 75% लोग गांव में निवास करते हैं, और वही लोग कृषि करते हैं, और कृषि के माध्यम से लोगों को अनाज आदि मिलता है, जिससे जनसंख्या का भरण पोषण होता है। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि जब आपको पॉइंट याद रह जाएंगे, जिन पॉइंट की हम बात करते हैं, जैसे कि ऊपर ये, यदि ये पॉइंट याद रह जाएंगे तो काफ़ी स्तर तक आप उन प्रश्नों को के पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकेंगे। जैसे यहाँ रोजगार आ रहा है, जनसंख्या भरण पोषण हमने एक्सप्लेन कर दिया, रोजगार। अब जो जनसंख्या उसके लिए रोजगार चाहिए, तो कृषि के माध्यम से हमारे देश में बेरोजगारों को कृषि में रोजगार मिलता है, जिससे आप अपनी जीविका चलाते हैं। यदि मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरा मूल उद्देश्य यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताना है और उनको याद करने के तरीके को बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको इस सूत्र के माध्यम से बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है, और हर प्रश्न के कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको इसका ध्यान रखना है। जैसे हरित क्रांति, अब हरित, जैसे हमने गुलाबी क्रांति पढ़ा था, तो हमारे दिमाग में यह था कि फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, और हरित क्रांति में क्या है, कृषि के उत्पादन को बढ़ाना जो है वो किसके अंतर्गत आता है, हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। तो आइए, ये किस समय की बात है, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी, तब सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ट्रैक्टर है, खाद है, पाइप है, ऐसी तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई, ताकि फसल का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े, और इसे नाम दिया हरित क्रांति। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिस क्वेश्चन नंबर 10 है, वनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, लाभ बताइए। ये जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर याद करने का तरीका है LSJ। एल का मतलब लकड़ी की प्राप्ति, एस का मतलब सहायक उपजों की प्राप्ति, और जे का मतलब है जानवरों की के लिए चरागाह। तो ये वनों के प्रत्यक्ष लाभ है, जिन्हें आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ज़रूर नहीं कि इसमें बताए वैसे ही लिखें, आप अपने हिसाब से व्याख्या कर सकते हैं। वनों से अप्रत्यक्ष लाभ भी होते हैं, तो वनों से क्या अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं वो देखिए। MVJ एम का मतलब मिट्टी के कटाव में कमी करते हैं वृक्ष, दूसरा वर्षा में सहायक होते हैं, तीसरा जल स्तर में वृद्धि होते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट इस तरह से लिए गए हैं, MV और J ना, मिट्टी में कटाव में कमी, वर्षा में सहायक, और जल स्तर में वृद्धि। देखिए, जरूरी नहीं कि आप, हम जो कोडिंग बता रहे हैं उसके अनुसार याद करें, आपने जिस तरह से याद किया है वो भी गलत नहीं है, पर उसका लिखने का तरीका आपको होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है।
और वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय, ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा सकता है। जैसा कि हम बताया है, नाम से क्लियर है वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसमें देखिए, एक इकोसिस्टम होता है, एक पूरे इस व्यवस्था में एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होता है, तो उसी को हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, वन्य प्राणी प्राकृतिक धरोहर है और इस प्राकृतिक धरोहर को भावी पीढ़ियों तक जो कृतियों पहुँचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और इनकी प्रकृति में जीव इनकी प्रकृति में जैव क्रिया संतुलन बनाए रखने महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इनका संरक्षण आवश्यक है। ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिनके द्वारा हम समझ पाएंगे कि वन्य प्राणी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। आगे आइए, अगले पॉइंट में वन्य संरक्षण के उपाय। तो क्या उपाय है? प्राकृतिक आवास, इसमें लिखे हैं कुछ पॉइंट। PSJM, पी मतलब प्राकृतिक आवास, एस का मतलब शिकार प्रतिबंध, और जे का मतलब है जैव मंडल रिजर्व, और ई का मतलब है योजनाओं को ईमानदारी से इम्प्लाई करना, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा है मानसिकता में परिवर्तन, एम का मतलब PSJM। ये वन संरक्षण के प्रमुख उपाय हैं। यहाँ पर आप मूलतः देखें कि हम आपको कौन से प्रश्न बता रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको याद रखना है, और डेफिनेटली यही प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, कि क्यों कहलाता है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, IMP क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग को आधार उद्योग क्यों कहा जाता है। देखिए, लौह उद्योग जो होता है, लौह उद्योग होता है और बाकी अन्य उद्योग है, तो जितने भी अन्य उद्योग होते हैं, चाहे वो कृषि उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, या वाहन उद्योग हो, या किसी प्रकार का उद्योग हो, उनमें जो कल पुर्जे हैं वो जनरली लोहे के बने होते हैं, और उनके लिए लोहे या जो मशीन बने होती हैं, कलपुर्जे बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, और वो लोहा हमें किससे प्राप्त होता है? लोह उद्योग से। तो इन सभी की जो कलपुर्जों की आपूर्ति किससे होती है? लोह उद्योग से होती है। इसलिए लोह उद्योग को हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। हालांकि इसमें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के कोई 4 प्रकारों को समझाइए। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। 2 नंबर प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन से प्रदूषण हो सकते हैं, तो आपको लिखना है। इनमें से किसी पे व्याख्या भी आ सकती है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये कुछ प्रकार यहाँ पर आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर, उनके स्वामी उसका कौन है, उसके आधार पर, जैसे निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार का होता है, सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व का होता है, और एक मिश्रित उद्योग जो उपयुक्त में से किन्हीं 2 या अधिक के स्वामित्व का होता है। ये सहकारी उद्योग रिपीट हो गया है, आपको ये उद्योग बताना है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार, तो देखिए इसका सूत्र लिखा K2V। आप सूत्र के चक्कर में ना भी पढ़े तो ठीक रहेगा, और आपको समझ में आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। K मतलब पहला K है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा K खनिज से खनिज आधारित उद्योग, और तीसरा वन पर आधारित उद्योग। K K V, पहला कृषि, फिर दूसरा खनिज, और फिर तीसरा वन पर आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या महत्व है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या महत्व है बताइए। तो याद करने सूत्र है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग का योगदान क्या है, तो PJR2
टू टी। पी मतलब प्रति व्यक्ति आय, जे मतलब जीवन स्तर, आर का मतलब रोजगार में वृद्धि, और तीसरा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, और टी मतलब तकनीकी में वृद्धि। ये पांच आधारभूत बातें हैं जो राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में को बढ़ावा देती है उद्योग के माध्यम से। तो आपको इनको डिटेल्स पढ़ना है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, बताइए। आप खुद लिख सकते हैं इजी वे में, सरल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। जे आर वी, जल विसर्जन, रासायनिक उद्योग और वृक्षारोपण, और उद्योग के लिए जल के उपचार की व्यवस्था, कारखानों की स्थापना साथ की जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, उसी में परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार पढ़ते हैं ये प्रश्न। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित होने वाले प्रमुख कारकों को बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन से प्रभावित होता है, तो स्थिति, प्रकृति, समुद्र तट, आर्थिक विकास, ये। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या विशेषता है, वो आपको डील करना है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। उससे अगला महत्वपूर्ण है प्रश्न है, इंटरनेट क्या है, इसके महत्व को बताइए। देखिए, आज का जो समय है पूरी तरह इंटरनेट पर डिपेंड है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है, नाम है, और शायद ही कोई व्यक्ति है जो इसके नाम से आज परिचित ना हो, तो इसको आपको पढ़ना है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उपग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, इसका महत्व बताइए। उसके बाद विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास में योगदान बताइए। ये यहाँ पर वापस इसके लिए कुछ सूत्र लिखा है, एस वी टू आर। एस का मतलब स्वावलंबी, और वी का मतलब विदेशी व्यापार, फिर दूसरे वी का मतलब विदेशी मुद्रा, और फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि, इसलिए एस और ये वी टू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आपदा प्रबंधन पढ़े थे। आपदा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण, आपदा प्रबंधन से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख तत्व समझाइए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मतलब यह है कि प्रकृति के द्वारा कई प्रकार की आपदा आती है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, इनसे किस तरह से निपटा जाए, वो सब आपदा प्रबंधन के अंदर आता है। आपने यदि मूल शब्द आपदा प्रबंधन को समझ लिया है, तो मैं समझता हूँ कि आपने लगभग 75% क्वेश्चन को समझ लिया है। आगे चलते हैं, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं, लिखिए। तो देखिए, सूखा और बाढ़ आप समझते हैं, अल्पवृष्टि, सूखा, अतिवृष्टि बाढ़ को उत्पत्ति में बाढ़ का कारण बनती है। इस तरह से आगे क्या है, सुनामी क्या है, तो सुनामी क्षेत्र और सुनामी आने के कारण बताइए, ये आपको पढ़ना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं एक एक प्रश्न को यदि एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मेरा मूल उद्देश्य यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताना है जिनका आपको अध्ययन करना, और यही परीक्षा में ज़्यादातर ही प्रश्न पूछे आएंगे। घरों में लगने वाली आग से बचने के उपाय बताइए। सिंपल से क्वेश्चन है, महामारी कैसे फैलती है बताइए। बाढ़ नियंत्रण के चार उपाय बताइए। इस तरह से मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न हैं, ये बोर्ड द्वारा तैयार किए गए हैं और छात्रों की सुविधा के लिए प्रश्न दिए गए हैं, ताकि छात्र इन प्रश्नों का अध्ययन कर ले और परीक्षा में पास हो सके।
छात्रों के मस्तिष्क के तनाव को कम करने के लिए ये पेपर खासकर बनाए गए हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र है। मानचित्र पठन एवं अंकन पर आधारित प्रश्न कैसा पूछा सकता है, देखिए। रूट चिन्ह पूछे जाते हैं कि कोहरे के लिए रूट चिन्ह कैसा है, तो इस तरह का आपको बनाना है। ओले ओला किसको इंडिकेट करता है, त्रिभुज के चिन्ह को। हिम इस तरह के चिन्ह को इंडिकेट करता है, जहाँ भी हिम आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से चिन्ह बना देना है। एक इस तरह से ये हिम को इंडिकेट करता है। वर्षा को इंडिकेट करने के लिए डॉट का प्रयोग किया गया है, ये वर्षा है, वर्षा को इंडिकेट डॉट के लिए। धुंधा या धुंध भी हो सकता है, इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। कुहासा वही कोहरा ऊपर हो गया। तड़ित या झंझा इसको इस तरह से इंडिकेट किया गया है। तो आपको इन चिन्हों को ध्यान रखना है। उसके बाद में मंद समीर, धीर समीर और सबल समीर। मंद समीर को इस तरह से, धीर समीर में एक इस तरह से वो लगा देंगे, और सबल सबल ने मुरभी प्रबल, इसलिए इस तरह लगा देंगे। और इस तरह का ये पांच अंक का प्रश्न आता है, पांच चिन्ह पूछ लिए जाते हैं, आपके पांच अंक पक्के हो जाते हैं। आगे चलिए, भारत के मानचित्र में कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको देखना है, कहाँ कहाँ क्या है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे ये प्रश्न है, इसको देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है, जनरली पूछी जाती है। अभी तक आपने अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब हम इतिहास पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इतिहास पर आधारित प्रश्नों को फटाफट बता देता हूँ। आपको इन प्रश्नों को ठीक से पढ़ना है, और रटना नहीं है, समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, तो मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम अजरत महल, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला खां, रंगा बाबू बापू जी, सेनापति पंडित, इस तरह से नाम है। आपको नाम ध्यान रखना है। हड़प नीति क्या थी, लाल डहलोजी ने हड़प नीति लगाई लागू की थी, आप सब लोग जानते हैं। हड़प नीति के तहत जिन राजाओं की कोई संतान नहीं हुआ करती थी, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं था, बल्कि सरकार ही उन्हें उनके राजपाट को अपने अधीन कर लेती थी। ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, ये सिविल नीति बोलते हैं, या डॉक्ट्राइंस ऑफ लेप्लेशन भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारह 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो देखिए कौन कौन से, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ। कई पूछ सकते हैं कि 1857 क्रांति कहाँ से प्रारंभ नहीं हुई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्थान थे जहाँ से प्रारंभ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे, ये प्रश्न अक्सर आता है। और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संघर्ष की असफलता के कोई तीन कारण क्या है, तो वो तीन कारण क्या हैं, वो है SPN के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसका मतलब समय से पूर्व सूचना प्रसार में असफल। दूसरा है परंपरावादी हथियार का उपयोग करना। तीसरा है नेतृत्व का अभाव रहा इसमें। ये मूलभूत बातें हैं जो 1857 के संग्राम की सफलता के कारण है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, इन पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में इनका क्या योगदान रहा भारतीय इतिहास में, वो आपको उसको डिस्क्राइब करना है। और अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्र संग्राम के कोई तीन कारण लिखिए, क्या कारण थे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक असंतोष, ये तीन कारण रहे जिनको डिस्क्राइब करना है। भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम विचारों और शिक्षा के ने क्या भूमिका निभाई, ये आपको लिखना है।
समझना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बसने वाले यूरोपीय ने एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया, या अंग्रेज़ों का विरोध क्यों किया, अंग्रेज़ों ने एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया, ये पूछा गया था। उग्रवाद के उदय के तीन कारण बताइए। सूत्र है UBP, उदारवादियों को की कार्यपद्धति के प्रति असंतोष, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति और प्राकृतिक प्रकोप। आपको घबराना नहीं, जो प्रश्न आपने नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, इंतमान से देखें, पहले उन प्रश्नों को पढ़ लें अच्छी तरह जो आपने याद कर रखे हैं। और अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेज़ों की आर्थिक शोषण नीति से ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार से प्रभावित किया था। कोई विशेष नहीं है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को लिखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण है, जल सत्याग्रह क्या था लिखिए। और उसके बाद में उग्रवाद और उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए। अगला है, झंडा सत्याग्रह को संक्षिप्त में लिखिए, झंडा सत्याग्रह पे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसे आप डिटेल्स पढ़ें। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यह बताने जा रहा हूँ, इन्हें आप ध्यान से देखें और उनको विशेषकर आप तैयार कर लें। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं, वो हैं कर्मवीर, अंकुश, सुबोध इत्यादि, ये इसमें कुछ बताए गए हैं। और उसके बाद में चलते हैं, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है, इसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइमन कमीशन कब और क्यों भेजा गया था, इसका भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए उसके योगदान को लिखिए। अगला, भारत छोड़ आंदोलन कब शुरू हुआ था, इसकी असफलता के कारण लिखिए। उससे अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से हुआ और इसके कार्यक्रम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें क्या क्या कार्यक्रम थे, नमक कर न देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल का बहिष्कार करना, इसके ये कार्यक्रम थे। दांडी यात्रा को समझाइए, कब चालू हुई थी पूछा जाता है, और 12 मार्च 1930 को हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी, साबरमती से प्रारंभ हुई थी, और गांधी जी के साथ उनके 78 शिष्यों ने इसमें भाग लिया था, ऐसा पूछा जाता है। और 12 मार्च 1930 को साबरमती से, और 78 लोगों ने इसमें, गांधी से 79 लोग हुए थे, 78 + 1 = 79। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसी में लिखा, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो ये यात्रा कहाँ समाप्त हुई थी, ये समुद्र तट पर जाकर, ठीक है ना। अगला है, महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता कब और क्यों मांगी थी। सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम लिखिए। सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के कारण क्या थे। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है, वो कितने प्रकार से होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, भारत में आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर करता है वैसे, पर जो घोषणा है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में और वित्तीय संकट की स्थिति में, इन तीन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा की जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
ताशकंद समझौता क्या है, ये आपको पढ़ना है। ये ताशकंद समझौता है, इसमें लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था ये, और इसको आप पूरा पढ़ें। अगला प्रश्न है जो ताशकंद समझौते से उसका उत्तर दिया गया है, इसे आप ध्यान से पढ़ें। अगला है भारत चीन युद्ध में एक मरफा युद्ध एक तरफा है, युद्ध विराम की घोषणा चीन ने क्यों की थी, वर्णन कीजिए। ये एक तरफा लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है भारत बांग्लादेश संबंधों पर एक विस्तृत लेख, कोई विशेष नहीं है लेकिन पढ़ लेना। उसके बाद में कश्मीर समस्या क्या है, विस्तार समझाइए। उसके बाद में आते हैं मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, कोई पांच। समाजवादी और धर्म पंथ निरपेक्ष शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। परंपरागत प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जनरली आते ही हैं। संविधान का क्या महत्व है, संविधान का क्या महत्व है लिखिए। भारत संविधान लिखित विस्तृत है क्यों है, वर्णन कीजिए। उसके बाद में संघात्मक शासन की विशेषता लिखिए। लोकसभा के सदस्यों की लोकसभा में सदस्य की योग्यता लिखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता आवश्यक होती है, जिसे वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष हो, वह केंद्र या प्रांत सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। इस तरह से कुछ योग्यताएं हैं उसके पास होना चाहिए, तभी वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यपाल के कार्य लिखिए और मंत्रिपरिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगले हैं प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं, उस पर आधारित प्रश्न हैं। जैसे सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए, क्या क्या उपाय हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको आपको पढ़ना है, इन प्रश्नों को। सांप्रदायिकता के पांच कारण लिखिए, क्या कारण हैं जिनके कारण सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। जनसंख्या वृद्धि के कार्यों को वर्णन कीजिए, जनसंख्या वृद्धि के कार्यों का वर्णन कीजिए, न होते हुए जनसंख्या वृद्धि के कारणों का है, कारणों का होना चाहिए, यहाँ पर गलत छपा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और अगला प्रश्न आ रहा है इंडिया विजन 2020 को लिखिए, और प्रति व्यक्ति आय क्या है इसकी गणना का सूत्र लिखिए, दो नंबर प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में ATM क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। स्व सहायता समूह क्या होते हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो दो दो नंबर के आपसे पूछ सकते हैं। सेवा क्षेत्र क्या है, अधोसंरचना किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण देकर समझाइए। ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं, ISI क्या है, उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार बताइए। बहुत सारे प्रश्न कॉमन हैं जिन्हें आप केवल हमारे आसपास के परिवेश को भी ध्यान रखकर हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा से क्या अभिप्राय है, आर्थिक प्रणाली का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अगला आ रहा है, वैश्वीकरण क्या है, इससे उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। सूचना का अधिकार क्या है लिखिए, और ये कब प्रारंभ हुआ था, सन 2005 में इस राइट टू इंफॉर्मेशन से बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जो है ये 2005 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में
वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले कारकों को समझाइए, इस तरह से ये प्रश्न इसमें दिए गए थे। इन्हें आप ध्यान से पढ़ें और अपने प्रश्न पत्र का शांतिपूर्वक उन प्रश्नों का उत्तर पहले लिखने की कोशिश करें जिनके उत्तर आप जानते हैं, और घबराएं नहीं और पूरा धैर्य बनाए रखें और धैर्य बनाकर अपने प्रश्नों का उत्तर वन बाय वन लिखें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।